शंकर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 18वा समास 8वा अंतरदेव निरूपण। श्रीराम ब्रह्म निराकार निश्चळ आत्म्यास विकार चंचळ तयास म्हणती सकळ देव ऐसे। देवाचा ठावची लागेना एक देवा ने मस्त कळेना बहुत देवी अनुमानेना एक देव। म्हणून विचार असावा विचारे देव शोधावा बहुत देवांचा गोवा पडोची नाही। काही अनुमानले विचारे देव आहे जगदांतरे सगुणा करिता निर्धारे निर्गुण पाहिजे। सगुण पाहता मुळा सगेला सहजची निर्गुण पावला संग त्यागे मोकळा झाला वस्तुरूप। परमेश्वरी अनुसंधान लाविता होईजे पावन मुख्य ज्ञानेची विज्ञान पाविजे ते। ऐसी हे विवेकाची विवरणे पाहावी सुचित अंतर करणे नित्यानित्य विवेक श्रवणे जगतो द्वार। पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञान देव तुकारा पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों पर वंदन करके संत संघ में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। भाइयों और बहनों, समाज में हम अनेक प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में से हमने देखा है कुछ लोग प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ शिव जी की पूजा करते हैं, तो कुछ अपने कुल देवता की ही पूजा करते हैं। बात जब देवी देवताओं पे आती है तो इस बारे में इस संदर्भ में हमारा भारत देश बहुत ही समृद्ध है। भारत देश में कई देवी देवताओं का पूजन होता है। पूरे वर्ष हम अनेक देवी देवताओं के उत्सव मनाते हैं। शायद इसीलिए समर्थ को यह प्रश्न आया होगा कि इन सारी देवी देवताओं में मुख्य देवता कौन है। इसीलिए समर्थ ने आज के इस समास अंतर देव निरूपण की रचना की है। जैसे मैंने कहा, हम अनेक तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, वहां के मुख्य देवता की पूजा करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने इस बात पे गौर किया है कि उस इन अनेक तीर्थ क्षेत्रों के स्रोत या उगम कैसे हुआ होगा। जब हम इस पे गौर डालते हैं तब हमें इस निश्चय पे या इस उपाय पे आ सकते हैं कि इन तीर्थ क्षेत्रों के जो स्रोत है वो प्रभु के अनेक अवतार है। जैसे विष्णु भगवान ने राम का अवतार लिया और हमने देखा
कि हम लोग विष्णु भगवान को प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में पूजने लगे, उनके मंदिरों में जाने लगे। वैसा ही एक सुंदर मंदिर हमारे इस नानिज धाम में भी है। उसी तरह विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और कृष्ण भगवान के अनेक मंदिर आ गए। लेकिन इन अवतारों का स्रोत क्या है? कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन अवतारों का स्रोत है। समर्थ ने इस समास में एक प्रश्न उपस्थित किया है, वह कौन है जिसपे ब्रह्मा विष्णु महेश सत्ता, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश पे सत्ता है, वह कौन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश पे राज करता है? इसका उत्तर है अंतरात्मा। वह अंतरात्मा है जो मनुष्य के अंदर, या कह सकते हैं मनुष्य में बसा हुआ देव है, इसीलिए उसे अंतरदेव कहा गया है। वह अंतरात्मा ही है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। उसे महसूस करने के लिए, उसे पाने के लिए, उसकी समझ लेने के लिए हमें जिज्ञासा की ज़रूरत है। अगर उसको ढूंढने की, अंतरात्मा को ढूंढने की अगर हमें जिज्ञासा ना हो तो शायद हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर हम उसे ढूंढेंगे नहीं तो हम तीर्थ क्षेत्रों में जाकर जैसे भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, उस तरह हम कैसे हमारे अंदर बसे उस अंतरात्मा की कैसे पूजा कर पाएंगे? कैसे हम उस पर अनेक अलंकार चढ़ा पाएंगे? हमारे अंदर के जो गुण है वही हमारे अंतरात्मा के अलंकार है, वही हमारे अंतरात्मा को गति देते हैं। यह अंतरात्मा ही है जो मनुष्य का सबसे शुद्ध भाव है। वह अंतरात्मा ही है जो हमें सगुण से निर्गुण की ओर ले जाती है। यह अंतरात्मा ही है जिसको हम अलग अलग मंदिरों में देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हमारे सद्गुरु ही है जो हमें हमारे अंतरात्मा तक ले जा सकते हैं, जो हमारे अंतरात्मा की हमें पहचान करा सकते हैं। किसी ने कहा है ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ ढूंढना है और कैसे ढूंढना है ये सद्गुरु बतलाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे सद्गुरु पर। सद्गुरु हमें अलग अलग हर रविवार संत संग में आकर सद्गुरु हमें बतलाते हैं कि आप संसंग में आइए, आप भक्ति कीजिए ताकि आपके अंदर छुपे असली भगवान को समझ पाए। लेकिन हम में से कुछ ही लोग इस पर दृढ़ निश्चय रखते हैं और उस तरफ बढ़ते हैं। जबकि अगर हम इस बात पर दृढ़ निश्चय रखें, अगर हम इस बात को मंत्र की तरह मान ले, तभी हम हमारी अंतरात्मा तक पहुंच सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण से ये बात देखते हैं। तीन दोस्त थे, एक गांव में वो रहते थे और ऐसे ही संत संग में जाकर उन्हें मोक्ष प्राप्ति की जाए ऐसा उन्होंने ठान लिया। वे तीनों अपने घर संसार को छोड़ के निर्वन वन में चले गए। वहाँ जाके वो तीनों उपासना करने लग गए, साधना करने लग गए। अब कई दिनों तक उनकी साधना चलती रही। एक दिन उस वन से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी ने उन तीनों को देखा और पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इन तीनों दोस्तों ने बताया कि हम तीनों को मोक्ष चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस वन में साधना कर रहे हैं। और इन तीनों दोस्तों ने नारद जी को बतलाया कि आप विष्णु जी से मिलने जा रहे हैं तो आप उनसे ये पूछ कर आइए कि क्या हम तीनों को मुक्ति मिलेगी या नहीं, मोक्ष मिलेगा या नहीं।
अब नारद जी वहाँ से निकल जाते हैं और ये तीनों दोस्त फिर साधना में लग जाते हैं। बहुत दिन होने के बाद एक दोस्त, इन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त ये सोचने लगता है, मैं कितने दिन से यहाँ हूँ, पता नहीं मेरे घर परिवार जिनको मैं पीछे छोड़ आया वो कैसा है, क्या है, खाता पीता भी होगा या नहीं, पता नहीं क्या कर रहा होगा। तो इस विचार में एक दोस्त भाग जाता है, पीछे चिट्ठी छोड़ जाता है अपने दोनों दोस्तों के लिए कि पता नहीं मेरा घर परिवार कैसा है, इसके लिए मैं वापस लौट रहा हूँ। अब ये दोनों दोस्त बच जाते हैं, ये दोनों उसी निश्चय से साधना कर रहे होते हैं उस वन में। अब थोड़े दिन बाद वो सोचने लग जाते हैं कि अरे नारद जी आए क्यों नहीं। और फिर एक दिन नारद जी आ जाते हैं और वह नारद जी उन दोनों को पूछते हैं कि अरे तुम लोग तो तीन लोग थे, तुम्हारा एक दोस्त कहाँ गया? तो ये दोनों बताते हैं वो निकल गया, वो घर के लिए निकल गया वो। लेकिन आप बताइए, क्या बोले विष्णु जी, हमें मोक्ष मिलेगा ना? तो विष्णु जी बोलते हैं कि नारद जी बोलते हैं हाँ मैं बताता हूँ तुम लोगों को, लेकिन तुम अपना मन दृढ़ कर लो, इस विष्णु जी की बात सुनने के लिए तुम अपना मन दृढ़ कर लो। तो पहले वाले दोस्त को बोलते हैं कि तुमको मिलेगी, तुमको मोक्ष मिलेगा, लेकिन आज से सातवें जन्म में तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अब ये सुनकर उसको इतना बुरा लग जाता है कि वह वही अपने प्राण त्याग देता है। नारद जी तीसरे दोस्त को बोलते हैं कि देखो बेटा, तुमको अगर तुम अपने मन को बना लो, अगर तुमको नहीं चाहिए तो मैं छोड़ देता हूँ इस बात को यहीं पे। लेकिन ये तीसरा दोस्त बहुत ही निष्ठावान होता है, उसका अपने आप पर भी निष्ठा होती है और नारद जी पर भी, नारद जी के बोले शब्दों पर भी। तो बोलता है नहीं नारद जी, आप बोलिए, जो भी है जैसा भी है मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। नारद जी उसे कहते हैं कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने साल बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ये सुनते ही वो दोस्त इतना खुश हो जाता है कि वो ये नहीं सोचता कि इसमें कितने सारे पेड़ हैं, इसमें कितने सारे पत्ते हैं, पता नहीं मुझे कितने साल लग जाएंगे, ये नहीं सोचता है। वो ये सोचता है कि मुझे मोक्ष मिलने वाला है, मेरा जो दृढ़ निश्चय था जिसको लेकर मैं इस वन में आया वो सफल होने वाला है। और वो ध्यान लगा लेता है, वो साधना लगा लेता है और इतनी खुशी में वो साधना लगाता है कि उसको कुछ ही क्षणों में मोक्ष मिल जाता है। ऐसी दृढ़ निष्ठा अगर हम रखें हमारे सद्गुरु के बतलाए मार्ग पर, जो उपाय सद्गुरु बताते हैं, जो छोटी छोटी ज्ञान की बातें हमें सद्गुरु बताते हैं, तो हमारे जीवन का भी कल्याण हो सकता है। को हम इस प्रश्न का उत्तर हमारे सद्गुरु ने हमें बतलाया है, सो हम कितने, हम में से कितने लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं, दृढ़ निश्चय रखते हैं? हमारे सद्गुरु ने, उनके सद्गुरु ने जब उनको ये बात बतलाई, उस पर दृढ़ निश्चय रखा, उसका परिणाम क्या हुआ? 3 महीने में ही, सिर्फ 3 महीनों में हमारे स्वामी जी को आत्म साक्षात्कार हो गया। हम में भी ये बदल हो सकता है, कैसे? सद्गुरु के बतलाए मार्ग पर चलने से। तोरा मन दर्पण कहलाए, जिसे हम अनेक मंदिरों में ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर छिपा है, वही मुख्य देवता है। और इस मुख्य देवता के पास कैसे जाए ये हमें सद्गुरु बतलाते हैं। हमारे सद्गुरु ने इसके लिए हमें जप और सत्संग, ये दो बहुत ही आसान उपाय बताए हैं। लेकिन कैसे करते हैं हम ये जप? कुछ लोग कहेंगे दीदी हम कितने सालों से जप कर रहे हैं लेकिन हमको तो अंतरात्मा के दर्शन नहीं हुए, कैसे करते हैं हम ये जप? माला जपते हैं बस। क्या हमारा मन एकाग्र होता है? क्या हमारा मन उस प्रभु की ओर होता है? क्या हमारे मन में वो जिज्ञासा होती है कि इस जप से मुझे मेरे अंदर छुपे अंतरदेव को प्रसन्न करना है? नहीं होता है।
हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाकर बैठते हैं, देखते हैं कितने लोग आए हैं, कौन आया है, कौन नहीं आया है। सत्संग में इतने सुंदर भजन होते हैं, हम उसमें से कितने भजन घर जाके गुनगुनाते हैं। जबकि अगर एक छोटी सी मूवी देखने जाए तो उस मूवी के सारे डायलॉग याद कर लेते हैं एक ही बार में। लेकिन रविवार के दिन जितना हमें टाइम होता है, हम सुबह सुबह आके सत्संग में आकर बैठते हैं, क्या अपेक्षा होता है, होती है स्वामी जी की यहाँ पे हमसे? यही होती है कि हम इस सत्संग को आत्मसात करें, इसकी गहराई समझें। क्यों समझें? ताकि हम हमारे अंतर्देव तक पहुँच सके, उसको प्रसन्न कर सके। नहीं कर पाते लेकिन हम लोग, लेकिन अब भी टाइम नहीं गया है। सद्गुरु के बतलाए मार्ग पर चलने से स्वामी जी हमें बहुत आसान आसान छोटी छोटी चीज़ें बतलाते हैं। आइए सत्संग में बैठिए। सत्संग से बहुत असर पड़ता है हमारे जीवन पे। ये मेरा तो वीकली चार्जर है, मैं सत्संग में आकर बैठती हूँ तो मेरा अगला हफ्ता मुझे पूरी उसकी ऊर्जा मिलती है सत्संग में आकर बैठने से। एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूँगी मैं यहाँ पे। एक साधु जी होते हैं, वे साधु जी एक वन से गुजर रहे होते हैं और उनको प्यास लग जाती है। पास में उनको एक कुम्हार दिखता है, वे वहाँ जाते हैं, उसको बोलते हैं भैया मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तो वो उनको एक घड़े में पानी भर के दे देता है और जब वो पानी पी रहे होते तो उनको दिखाई देता है कि सारे घड़े एक तरफ और एक अकेला घड़ा एक तरफ। तो साधु जी पूछते हैं उनसे कि अरे ये अकेला क्यों अलग अलग रखा है तुमने? तो वो बतलाता है कि इसमें एक छोटा सा छेद है और वो भी बिल्कुल उसके एकदम नीचे है, तो उसमें पानी रहता ही नहीं है, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो साधु जी बोलते हैं मुझे यही एक घड़ा अगर तुम दे सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो बोलता है आपको लेना तो अच्छा वाला लेके जाओ, इसको क्यों ले रहे हो? साधु जी बोलते मुझे वही चाहिए। और साधु जी उसको लेकर आते हैं, मंदिर में शिव जी के ऊपर लगा देते हैं। सोचिए दोस्तों, हमारा वो एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा जिसका कोई मूल्य नहीं था, जो कोने में पड़ा था, सत्संग में आने से, साधु जी के सहवास में आने से वह भगवान के मस्तक पर आ गया। और हमारे सद्गुरु इसीलिए हमें सत्संग में बुलाते हैं, इसीलिए सत्संग में आकर हमें अच्छे मार्ग बतलाते हैं। कैसे कैसे हम हमारे अंतरदेव को प्रसन्न करें, कैसे हम इन सारी बातों को अंतरदेव तक पहुंचने के लिए हमें सद्गुरु को सच्चे मन से शरण आना जरूरी है। जब हम अच्छे मन से पूरे आत्मसमर्पण से सद्गुरु को शरण आएंगे तभी हम हमारे अंदर बसे उस अंतरदेव को प्रसन्न कर पाएंगे। मैं आप सबको यह आह्वान करती हूँ कि आप सद्गुरु को सच्चे मन से समर्पण करो और घर में बैठ के, आपके घर में बैठ के आप सद्गुरु को बतलाओ कि मुझे इतने बजे आप जगा देना और स्वामी जी आपको जगा देंगे। इसमें व्यापकता है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन व्यापकता है। स्वामी जी चरचर में समाये हुए हैं और वही हमारे अंदर है, इसीलिए स्वामी जी हमें उस समय उठा सकते हैं। स्वामी जी ही हमें सगुण से निर्गुण रूप तक कैसे जाया जाए इसका मार्ग बतला सकते हैं। जब हम बाहर के जो भगवान है ये देखते रहेंगे तब तक हमारे अंदर में जो छुपा हुआ भगवान हमें कभी भी समझेगा नहीं। वो समझना चाहिए, हमारे पास फुर्सत नहीं, इतना टाइम नहीं है, हमारी उम्र बहुत छोटी है, कभी जाएंगे ये मालूम नहीं।
इस कारण सदगुरु का काम ही रहता है कि शॉर्टकट निकल कर देना। इस कारण मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बताया है कि आपको देखना है क्या ना, अपने दिल में अंतरात्मा है जो चराचर में है वो दिल में है। कैसे मुझे बताकर आप देखिए, चेक करवा के, हम आप जैसे इंसान हैं, आप जैसे मुझे हाथ है, पाँव है, मस्तिष्क है, आँख है, आप में और हमारे में कुछ फर्क नहीं है। आप प्रापंचिक है, मैं भी प्रापंचिक हूँ, तो भी मुझे मन में बताए आपके कि स्वामी जी मुझे फलाने फलाने टाइम पे उठाइए। और देखिए अनुभव कि हम आपका आकर उठाते हैं क्या, आपको चमत्कार लगता है, लेकिन ये चमत्कार नहीं है। हम इतने व्यापक हो गए हैं, इतने व्यापक हो गए हैं कि हमें मालूम है कि हम कण कण में हैं, हम अणु रेणु में हैं, हम पूरे चराचर में। ये जब साक्षात्कार खुद में होता है उनको बोलता है आत्मा साक्षात्कार। और ये गुरु के ही सवास में हमें साक्षात्कार मिलता है, इसी कारण गुरु की आवश्यकता। और सिर्फ गुरु करवा के फायदा नहीं है, गुरु पर विश्वास चाहिए, दृढ़ श्रद्धा चाहिए। गुरु वाक्य मंत्र मूलक, गुरु ने बोला ना हर हफ्ते सत्संगों में आइए, तो सिर्फ शरीर लेकर नहीं आने का। हम बहुत से लोग क्या करते हैं, शरीर से आते बैठते सत्संग में, प्रवचन शुरू रहता है, मंत्र चालू रहता है, हमारा सब ध्यान जो है वो इधर उधर भटकता है। ऐसे कितने भी हमने सत्संग किए तो कुछ फायदा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, अनंत जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन ठीक है, वो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि धीरे 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 पुण्य का अंश हमारे में बढ़ जाएगा, तब हम बार बार इंसान का जन्म ले लेंगे। और इंसान का जन्म लेकर हर जन्म में थोड़ा थोड़ा हमने सुधार किया तो भी उसमें कुछ बुरा नहीं है। आप प्रयास करना चाहते हो, प्रामाणिक प्रयास करना चाहते हो, तो हम आपको यही जन्म में आत्मज्ञान मिलवा के देने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। और हमने बोला कि सिर्फ हम मुख से नहीं बोल रहे हैं, मैंने प्रूव किया है, खुद ने प्रूव किया है कि ये जो चराचर में है वो मेरे में है। इस कारण हम बोलते हैं ना हम भगवान हैं। कोई लोगों को लगेगा कि हम घमंड से बोल रहे हैं, लेकिन ये स्वानुभव है। मेरे गुरु ने बोला कि बेटा जिसको आप ढूंढ रहा है वो आप में है। मुझे मंत्र देकर ये सिखाया उन्होंने, सो हम यानी वो तुम है। गुरु के मार्गदर्शन से हमने ढूंढने का प्रयास किया, और जब हमें उसका ज्ञान हुआ, जब हमें उसका अनुभव आ गया, तब हमने बताया कि ये जो चराचर में है वो हम है। हम अंतरात्मा है, हम अंतरदेव है, और मैं कहाँ नहीं है, ऐसी जगह नहीं है। और आपको चेक करने का है तो बताइए कहाँ से भी मुझे कि स्वामी जी मुझे फलाने टाइम पे उठाइए, और देखिए आपको अनुभव आता है क्या। हमें आता है अनुभव तो आपको भी आना पड़ेगा, आपको भी आएगा, लेकिन जो हम करते हैं वैसे करना आवश्यक है। आलस छोड़ना चाहिए और श्रद्धा रखनी चाहिए, गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु जैसे जैसे आपको बोलेंगे कि आपका मन पवित्र बनाओ, मन सात्विक बनाओ, मन शुद्ध बनाओ, और हर कण कण में आप ही है, ऐसे देखकर अपने जीवन का हर कर्म करो, तो एक दिन आपको रात्रंदिन करिता होइल दर्शन प्रत्यक्ष सगुण नरेंद्र मणि, ऐसा मेरा दोहा है। इसका अर्थ है रात्रंदिन जब हमें इसका ध्यास लगेगा, ध्यान लगेगा, तो एक दिन आपको उसका साक्षात्कार, आपको अनुभूति जरूर आ जाएगी। और ये हम ग्रंथ के भरोसे पर नहीं बोल रहे हैं, खुद ने अनुभव लिया है। इस कारण हम दावा कर रहे हैं कि आपको भी ऐसा अनुभव जरूर आ सकेगा। समर्थ रामदास स्वामी जी को अनुभव है, इस कारण उन्होंने बोला कि आपके दिल में जो छुपा हुआ है वो ही अंतरात्मा है। तुकोबा तुकाराम महाराज होके गए, उन्होंने भी यही बताया
तुझा आहे तुझा पाशी परी बेड़ा जागा चुकलाशी। ज्ञानेश्वर महाराज यही बताते हैं कि देही देव आस्था जानी जासी नाना तीर्था चुकला से आता भणे ज्ञानदेव। तो ये हम सब लोगों का अनुभव है, खुद का अनुभव है कि ये जो ग्रंथ में लिखा है ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अनुभव लेने के लिए है। और ऐसा अनुभव आ सकता है, लेकिन उनके लिए हमारा जो पात्र है ना, पात्र यानी हम एक पात्र है, एक बर्तन है, वो बर्तन ठीक चाहिए, टूटा फूटा नहीं चाहिए, उसमें जो डालते हैं वो नीचे गिरना नहीं चाहिए। ऐसे पवित्र बर्तन बनो, ऐसे पवित्र एक आप बनो तो गुरु की कृपा जरूर हो जाएगी और आपका जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सदगुरु काढ़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। या वल्लभ रामचंद्र की जय।